किम जोंग उनको कौन नहीं जानता है। इनका देश नॉर्थ कोरिया है। स्वाभाविक सी बात है, किम जोंग के देश को हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये राजा अपने देश को कैसे चलाता होगा। कुछ बातें तो ऐसी भी होंगी जो आज तक किसी को पता ही नहीं चली होंगी, क्योंकि इस देश की व्यवस्था ही ऐसी है कि इस देश की बात ज्यादा लोगों को पता नहीं चलती है। आज इन्हीं में से कुछ बातों को जानते हैं। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को जीन्स पहनने की मनाही है, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। और अगर कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता है और नियम के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश का नागरिक अगर किसी जुर्म में लिप्त पाया जाता है और उसका ये जुर्म सिद्ध हो जाता है तो उसे तो सजा मिलती ही है, साथ ही उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को ये सजा भुगतनी पड़ती है। देश की राजधानी प्योंगयांग में ये सबसे ऊंची बिल्डिंग स्थित है। ये बिल्डिंग रयोंगयांग होटल है, लेकिन ये इतनी खंडहर है कि इसे कयामत का होटल कहा जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1079 फीट ऊंची ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची खाली इमारत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तरी कोरिया में आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक महिलाओं के लिए 28 व पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल हैं। यहाँ के नागरिकों को इन कानूनों का पालन करना पड़ता है। कानून के तहत ही आप अपना हेयर स्टाइल रख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया से मानवाधिकार हनन के मामले अक्सर आते रहते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाले मानवाधिकार हनन में से एक है 3 पीढ़ियों को सजा देने का नियम। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है तो उसके परिवार की 3 पीढ़ियों को भी जेल में ही रखा जाता है। नॉर्थ कोरिया ने अपने नागरिकों को साउथ कोरिया की सभी चीजों से दूर रहने की चेतावनी दी है, जिसमें साउथ कोरिया का फैशन, फिल्म और संगीत भी शामिल है। इस आदेश को ना मानने वाले कम से कम 7 नॉर्थ कोरियाई लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में किसी भी बाहरी देश के संगीत को सुनने की अनुमति नहीं है। केवल कुछ मुट्ठी भर गीतों की अनुमति है, जिनमें से अधिकांश देश के राजनेताओं का गुणगान करते हैं। एक देश जिसे 1948 के बाद सिर्फ एक ही परिवार द्वारा चलाया जाता है, वहाँ भी चुनाव का होना काफी मजेदार और ताज्जुब की बात है। हालांकि वहाँ के मतदाताओं के पास केवल एक ही विकल्प मौजूद होता है, चाहे वो मेयर के लिए हो, प्रांतीय गवर्नर के लिए हो या स्थानीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हो। प्रत्येक जिले के मत पत्र पर केवल एक ही उम्मीदवार होता है। नॉर्थ कोरिया में कोई पोर्न नहीं देख सकता। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया एकमात्र नेक्रोक्रेसी वाला देश है, जिसका मतलब है कि ये आज भी एक मर चुके शासक के अधीन काम करता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन देशों में से है जहां किसी भी तरह कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 4 टेलीविजन चैनल हैं। ये सभी राज के स्वामित्व वाले हैं और आमतौर पर दिन के समय से लेकर प्राइम टाइम तक प्रसारित होते हैं। इन चैनलों में एक एथलेटिक चैनल है जो नॉर्थ कोरिया में खेल के इतिहास के बारे में बताता है। नॉर्थ कोरिया में कंप्यूटर बहुत महंगे हैं और खरीदना बहुत मुश्किल है। लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदने के लिए वहाँ के लोगों को सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। नॉर्थ कोरिया में लोगों को केवल 28 वेबसाइटों को ब्राउज करने की अनुमति है। देश के पास अपना इंटरनेट सिस्टम है, जिसे क्वांगम योंग या ब्राइट कहा जाता है। यहाँ 1989 में बना दी मे स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बताया जाता है। इसे 2014 में अपडेट किया गया था, जिसमें 150,000 लोग बैठ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में बास्केटबॉल के नियम दुनिया से अलग हैं। वो कहते हैं कि स्लैम डंक के 3 अंक होते हैं और खेल के अंतिम 3 मिनट में फील्ड गोल 8 अंकों के होते हैं, जबकि बाकी दुनिया में इससे अलग रूल हैं। देश की राजधानी प्योंगयांग में अंडरग्राउंड मेट्रो जमीन से 360 फीट नीचे है, जो इसे दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो प्रणाली में से एक बनाती है। ये इतना गहरा है कि बम हमले के समय भी मेट्रो स्टेशन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा।
2008 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को उर्वरक भेजना बंद कर दिया था। ऐसे में इसकी कमी को पूरा करने के लिए नॉर्थ कोरिया एक नया कानून लाया, जिसमें नागरिकों से कहा गया कि वो अपना खुद का मल इकट्ठा करें और इसे कृषि में मदद करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सौंप दें। उत्तर कोरिया में राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए सक्षम होने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त राजधानी में प्रवेश करने वाले किसी भी गंदे वाहन के मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है। राजधानी से बाहर यात्रा करने वालों को यात्रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। नॉर्थ कोरिया में एक और कड़ा कानून बनाया गया, जिसके तहत अगर कोई कोरियावासी बाइबल पढ़ते पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलती है। इस देश का सबसे क्रूर शासक किम जोंग उन है। इसे क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने चाचा को जिंदा ही 120 कुत्तों को खिलाकर मरवा दिया था। उत्तर कोरिया के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की भी आजादी नहीं है। इस देश में मात्र सरकारी और किम जोंग उन के विश्वास पात्र नागरिक ही इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर कोरिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को युद्ध की खुली चुनौती दे रखी है। साथ ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका नेवी का जहाज अपने कब्जे में लिया हुआ है। उत्तर कोरिया के कानून के मुताबिक यहां के नागरिकों को भिखारियों की फोटो खींचने की मनाही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गरीबी का आंकड़ा सर्वाधिक है। नॉर्थ कोरिया के न्यूज चैनल, मैगजीन, न्यूज़पेपर 99% अपने देश की ही खबरें और किम जोंग उन की तारीफ संबंधी कार्यक्रम चलाते हैं। नॉर्थ कोरिया में जाने वाले टूरिस्टों पर भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके तहत उन्हें देश में मोबाइल फोन, कैमरा आदि लेकर आने की मनाही है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट सिर्फ अपने गाइड की निगरानी में रहते हैं और टूरिस्टों को आम जनता से बात करने नहीं दिया जाता। नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते और ना ही उन्हें दूसरे देश का वीजा मिलता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को देश से बाहर नहीं जाने देती। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में केवल कामयाब लोग ही रहते हैं या सरकारी नौकरी करने वाले इस शहर में रह सकते हैं। बाकी लोगों को राजधानी से बाहर रहना पड़ता है। इस देश के आम नागरिकों को कार खरीदने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सरकारी और अमीर हस्तियां ही कार खरीद सकती हैं। उत्तर कोरिया दुनिया के शीर्ष 10 सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल है। जैसा कि आज पूरी दुनिया जानती है, उत्तर कोरिया की सरकार का काम सिर्फ झूठा प्रचार करना और अपने देश को दूसरे के सामने खुश और परिपूर्ण दिखाना है, ताकि वो यहाँ होने वाले अत्याचारों को छुपा सके। इन सब के लिए उन्होंने उत्तर कोरियाई सीमा के पास एक प्रचार गांव बसाया है, जिसका नाम किंजोंग डोंग है। उत्तर कोरिया में कर्मचारियों को किसी भी तरह की कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। उन्हें सप्ताह में 6 दिन काम करना पड़ता है, 7वें दिन उन्हें स्वैच्छिक कार्य करना पड़ता है। उत्तर कोरिया के लोग अपनी मर्जी से अपने घर को रंग भी नहीं सकते। उन्हें सरकार के आदेश अनुसार इमारत पर ग्रे कलर ही पेंट करना होता है और उन पर पूर्व शासकों की तस्वीर लगाने का भी एक नियम है। यहाँ कार खरीदने और रखने की इजाज़त सिर्फ सेना और सरकार के अधिकारियों के पास होती है। अन्य नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करना अनिवार्य है। यहाँ बिजली की कमी के कारण प्योंगयांग शहर को छोड़कर, जो देश की राजधानी है, बाकी सभी शहरों में रात के समय बिजली बंद कर दी जाती है। इस बात का खुलासा अंतरिक्ष से ली गई उत्तर कोरिया की तस्वीरों से हुआ था, जो खूब वायरल भी हुई थी। उत्तर कोरिया के पास अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे उत्तर कोरिया रेड स्टार OS के नाम से जाना जाता है, जो केवल कोरियाई भाषा में उपलब्ध है। वर्तमान में उत्तर कोरिया में लगभग 1.2 करोड़ लोग गरीबी और बुनियादी मानवीय जरूरतों की कमी से पीड़ित हैं। उत्तर कोरिया में जनजीवन दुनिया के अन्य हिस्सों से पूरी तरह से अलग है। उनके नागरिकों को टेलीविजन, रेडियो और संचार के अन्य साधनों और मीडिया के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। उनकी औसत कमाई $5 प्रति माह से कम है। यहाँ के लोग तानाशाहों द्वारा तय किए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर जहर दिए जाने के खतरे में जीते हैं। उत्तर कोरिया में अधिकांश अपराधों के लिए माफी का प्रावधान नहीं है, बल्कि इसकी कीमत सिर्फ सजाए मौत है।
वर्तमान में लगभग 2.5 लाख लोग उत्तर कोरियाई नागरिक जेल में बंद हैं। इन जेलों को बिजली के तारों से घेरा गया है। इस देश में माता पिता को अपने बच्चे के लिए पाठशाला में डेस्क और कुर्सियों की आपूर्ति खुद करनी पड़ती है। उत्तर कोरिया के लोग दूसरे देश में नहीं रह सकते और ना ही उन्हें दूसरे देश से वीजा मिलता है। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया की सरकार भी किसी नागरिक को देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं देती है। जहाँ एक तरफ इस देश ने कई चीजों पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, वहीं दूसरी तरफ किसी भी तरह के नशीले पदार्थों पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ सड़क किनारे तम्बाकू और गांजा जैसी चीजें खुलेआम बिकती हैं। कोई भी इसका सेवन बिना किसी परेशानी के कर सकता है। न्यूज़ ट्रैक की रिपोर्ट के साथ मैं श्वेता श्रीवास्तव।